हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर में रह के घर के ही प्रोडक्ट के थ्रू बिना कोई बाहरी दवाइयों के खाए या कोई क्रीमें लगाए, एक्सपेंसिव क्रीमें लगाए, बिना इन सब के आप किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, शाइनी ग्लोइंग लुक दे सकते हैं स्किन को और पिंपल एक्ने फ्री बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको जो करना है थोड़ा सा वियर्ड लगेगा स्टार्टिंग में, मगर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आपको एंजॉय करोगे जब आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। जब आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो मेरे थैंक यू जरूर बोलिएगा। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा तभी यूज़ नहीं करते होंगे। तो किस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने घर में ही रह के सुबह मॉर्निंग में उठ के एक बस 5 मिनट का एक टोटका क्या कहते हैं, 5 मिनट का जस्ट अपनी बॉडी के लिए समय निकालना है और आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। कोई भी स्किन डिजीज़ नहीं होगी आपको स्किन में, फेस पे अगर कोई एक्ने आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो वो किस तरीके से आप उसको ख़त्म कर सकते हो नेचुरली। तो गाइस, लेना है सबसे पहले आपको ल्यूक वॉर्म वाटर, एक ग्लास ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है और इसमें आपको डालना है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मैंने तो डब्बे में निकाल के रखा है, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। इट्स अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ ये नेचुरली पाया जाता है हल्दी। हम सब लोग खाते हैं, सब्जियों में लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट क्या होता है जब हम उसको बनाते हैं, हम जब उसको कुक करते हैं तो उसके बहुत सारे जो अच्छे गुण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब मूवीज़ में खासकर या गांव में जॉब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं अगर चोट लग जाए तो हल्दी का दूध पियो। हल्दी का दूध क्यों, उसमें कच्ची हल्दी डाली जाती है, जब हल्दी का दूध पीते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है, इन्फ्लेमेशन होने देता है, स्वेलिंग को कम कर देता है और बॉडी को रिकवरी मोड में डाल के उसको फटाफट रिकवरी कराता है उस इंजुरी की। तो हमको यहाँ पे गर्म पानी में आधी चम्मच हल्दी ले लें और इसको अच्छे से धो लीजिएगा। अभी हल्दी और क्या करता है, आपको डिटॉक्स करेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपका डाइजेशन, इनडाइजेशन हो रहा है डाइजेशन को अच्छा करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट देगा। बिकॉज ये एंटी बैक्टीरियल है तो वहाँ पे और एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो आपको कोई भी एक्ने हो रहे हैं तो उसको फाइट करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, आपको पावर देगा उतनी ज़्यादा कि वो बैक्टीरिया को किल कर पाए और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाए और आपको ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और ये आपके दिमाग को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो गाइस, इसके साथ आपको डालना है नींबू, आपको हाफ ये नींबू लेना है और इसको आपको कुनकुने पानी में इसके साथ में आपको डालना है, ठीक है। अभी ये आपको अच्छे से निचोड़ के डालना है, इसमें एक लेमन के जूस का सेक्टर आता है दबा के निकालो, वो यूज़ करेगा। ये थोड़ा सा टीडियस है निकालना, निचोड़ना और फिर हाथ को साफ करना। वैसे घर में जब रहता है सुबह उठ के तो ये कर ही सकते हो, किचन में जाइएगा और फट 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 डाल के कर लीजिएगा। इसके साथ आपको डालना है ग्रीन टी का सैशे, ग्रीन टी अगेन ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ग्रीन टी के अंदर, जिसकी ओआरपी होती है -90। तो ओआरपी क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जब भी हम कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन होता है उसी से हमारे सेल्स टूटते हैं, एजिंग होती है, सब कुछ होता है। तो जब हम ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका वो शुम करके मार देता है, कम कर देता है, तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। आपके जितने भी हम मल्टीविटामिन लेते थे ऑल्सो आर एंटीऑक्सीडेंट, लाइक विटामिन ए, ई, सी, ये सब मल्टीविटामिन होते हैं, ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट ही होते हैं, जो जितने भी ऑक्सीडेशन होता है उसको ख़त्म करता है। तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छा है, अच्छा है, इसको आपको सुबह उठ के खाली पेट लेना है, एक अच्छी सी बहुत ही, इसमें चाहो तो आप हनी भी डाल सकते हैं, ये आपको वेट लॉस भी करेगा और डिटॉक्स करेगा और बहुत कुछ चीज़ों में हेल्प करेगा। इसको थोड़ा सा शेक करके और उसको फिर आपको गंदे से ड्रिंक को पीना है बॉडी को अच्छा करने के लिए। यार मतलब इतना बुरा भी नहीं बना है, इट्स नाइस। आई थिंक आप पी सकते हो, सच में इतना गंदा नहीं है, शहद ना डाले तो भी आप पी सकते हो, बिना शहद के भी अच्छा लग रहा है मुझे तो। गाइस, इसको खाली पेट पीजिएगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन, अपने क्लोज वन को, अपने लव वन को उनको शेयर जरूर कीजिए मेरा वीडियो। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे डॉक्टर अरविंद गुप्ता, वहाँ पे जाइए और मुझे
बताइएगा कोई भी आपका डाउट है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करो। आप कोई भी डाउट हो मुझे पूछिएगा, मैं आपको आंसर जरूर करने की कोशिश करूँगा। और गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मैसेज जब आप करते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, मेरे को यूट्यूब पे भी, तो अपने पूरी जस्ट हाई लिख के मत रुक जाया करो, पूरी प्रॉब्लम को एक साथ लिख दिया करो। अगर मैं कभी आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वहाँ पे नहीं देख पाता हूँ, तो आप जो मेरे किसी भी फोटो में जाके कमेंट पे लिख दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन उसके जल्दी मिल जाते हैं। और मैसेज में आप हाई लिखोगे, फिर हाउ आर यू लिखोगे, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, आई एम सो सॉरी, मैं सबको हाय हेलो करता के वो मैसेज पे इधर उधर जाते हैं। आपके काम की चीज़ एक बार मैसेज बना के भेज दोगे तो मैं उसको पढ़ के तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, जो भी उसका सोल्यूशन होगा। बट आप जस्ट हाय हेलो मत करो, सीधा सब कुछ लिख दो एक बार में, और फोटो में आगे कमेंट में मार दो तो और जल्दी दिख जाएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टेट इंटरव्यू में डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और इसको जरूर भेजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा।